जुलाना महम मार्ग पर देर शाम एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही एक की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जुलाना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गंभीरों की हालत को देखते हुए रोहतक PGI रेफर किया गया और 1 शव को जुलाना के सरकारी हॉस्पिटल में रखा गया। बताया जा रहा है कि जुलाना के गांव करसोला से महम के गांव फरमाना खास से बारात गई हुई थी, जो बारात वापस लौटते समय कार का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे यह सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही एक की मौत हो गई। घायलों को सड़क पर आ रहे अन्य वाहनों के राहगीरों ने निकाला और अस्पताल तक पहुँचाया। रोहतक PGI में इलाज के दौरान 5 घायलों में से 2 युवकों की और मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करवा आज गाँव करसोला में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। आज पूरा गांव गम में डूबा हुआ है, जब एक साथ शमशान घाट में 3 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गई। हमारे गांव में बहुत बुरी दुर्घटना घटी। एक परिवार के सदस्य थे, सभी बारात में जा रहे थे, बहुत खुशी का माहौल था। आते समय फरवाना गाँव में बारात जा रही थी, फरवाना गाँव से आते समय परिवार के सदस्य थे और 4 भाई हैं, 4 भाइयों के तीनों का तो एक ही लड़का है और एक का 2 लड़के हैं, और उसके दोया का तो एक एक लड़का था, दोनों की डेथ हो गई। एक दूसरे का 3 एक परिवार के लड़के गुजर गए थे, और 3 और 4 जो गाड़ी में बैठे थे उनके भी गंभीर चोट। गांव में किस तरह का माहौल? गांव में बहुत ज़्यादा मातम छाया हुआ है और पूरे गाँव में किसी का चूल्हा नहीं सटे है। पूरे गाँव में बहुत शोक का माहौल है। पूरे गाँव में पूरा गांव यहाँ से रात से वहाँ रोत तक भी बैठे हैं और पूरा जींद भी आया हुआ। पूरा गांव, सभी आसपास के गांव में बहुत दुख का माहौल है। ऐसी दुख की घड़ी भगवान किसी को मत दो।